सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज वीडियो रे आमे 30 मई 2019 माने आपनकर कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर एग्जाम रे पढ़तिबा 30 मई 2019 रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आमे केमिस्ट्री रे डिस्कशन करबा, जार पीडीएफ फाइल मु आपनकु सेंड कर देबी हमर टेलीग्राम चैनल रे। टेलीग्राम चैनल रे लिंक मु आपनकु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड कर दीजिए। फ्रेंड्स वीडियो टू स्टार्ट करिया पूर्व वीडियो गोटे गोटे लाइक कर दियंतु, आ चैनल को जदि नुवा अछन तले बेही सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए पई। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर आपको वन दे देखो 111 आपन को देला जे कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2 प्लस CH3MgBr माने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सो जिते आपनर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपनर कार्बन डाइऑक्साइड साथ रिएक्शन करिवो, से आपनर गोटे प्रोडक्ट एक्स फॉर्मेशन करिवो। एक्स आपन गोटे सपोज गोटे प्रोडक्ट, सो एक्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस। आपनको कहिछि जे जितेला मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को आमे रिएक्शन करिवा कासन कार्बन डाइऑक्साइड संगे, से गोटे प्रडक्ट आपनर फर्मेसन कर, से प्रडक्ट को आम जितने हाइड्रोलिसिस करवा, सो आम आपनर फाइनाल प्रडक्टा कौन हम। सो देखो आम देखो आपर जिते भी कॉन्ट्रैक्चुअल हाईस्कल आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखुचे, सो आपको जहाँ मोस्ट आप गोटे क्वेश्चन देखूँ आपन को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपनर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिलेटेड क्वेश्चन आस। आपड़ा से भिडियोटा कैंडली भिजिट कर दिखाँ, से भिडियोटे आप देखी नियंतु। सो आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक देदेवी। सो आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपनर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिलेटेड जितकी भी आपर इंपोर्टेंट आमर इम्पोर्टेंट आपर रिएक्शन अच्छे नियम रिएक्शन सब मुझे डिटेल से डिस्कशन करती से भिडियो। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, जैसे काइंडली से देखी नियंतु। सो जब आम देखा कार्बन डाइऑक्साइड को CH3MgBr सागर रिएक्शन करवा, सो CH3MgBr सागर आम जितने कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन करवा मीनस आपर कौन ना डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड यहाँ आप कार्बन डाइऑक्साइड। सो CH3MgBr आपर कौन MgBr प्लस CH3-, सो CH3 आपर अटाक कला कार्बन को आपर डबल बॉन्ड शिफ्ट है। सो आप गोटे आडिशन प्रोडक्ट फॉर्म है, से आडिशन प्रोडक्ट कौन ना आपर CH3 रहीगला कार्बन सागर आपर ये जो डबल बॉन्ड शिफ्ट करता, सो ओ पर माइनस चार्ज होगा, ये जो MgBr टाइम लगेगा MgBr प्लस जाणीगला। सो तापर आपर ये जो डबल बॉन्ड रहा, सो ये जो डबल बॉन्ड रहा, सो आपर कौन कर ना ये आपर हाइड्रोलिसिस हम। सो हाइड्रोलिसिस हेला आपर कौन हम ना ये आपर ये जो आपर MgBr अच्छे से MgBr आपर जब देखते ये आपको लिखिदे CH3 आपर CH3 सी डबल बॉन्ड ओ तापर आपर ओ माइनस MgBr प्लस ये जोटा रहा। सो आम जितने हाइड्रोलिसिस मीनस आपर व्टर दवा, व्टर मीनस HOH, सो HOH हेल्ले सो जो आप जो अक्सीजन पर माइनस चार्ट अच्छे, सो ये माइनस चार्ट आट्राक्ट कर नब हाइड्रोजन को, आउ जो MgBr रहा सी OH माइनस को नहीं पड़े। सो आप प्रडक्टा फाइनाल हम कौन ना CH3 COH आउ आप डबल बंड ओ, सो यहाँ गोटे कौन CH3 COH यहाँ कौन ना गोटा होची एसिड, एसिड मीन से CH3 COH हो एसिडिक एसिड एसिडिक एसिड। सो राइट आंसर हम कौन ना आपर फाइनाल प्रोडक्ट हम कौन ना एसिडिक एसिड जाणीगला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देला क्वेश्चन नंबर 112 व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर ब्रोमीन कंसीडरिंग आलरेड रोचो स्केल। सो आलरेड रोचो स्केल को आम जब कनसीडर करवा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मैंने आपको ईएन वैल्यू बा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कैलकुलेट करने को ब्रोमीन गिवेन कौन अच्छी आपको कोवेलेंट रेडियस मीन आपको रेडियस गिवेन अच्छी 1.14। सो आम डिस्कसन करते थ्योरी क्लास में आलरेड रोचो स्केल को जब आम देखा, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आम जब सपोज एक्स ने, सो हो आपर फर्मुला कौन ना 0.359 इंटू जेड जेड इफेक्टिव, यहाँ खाली जेड नुह जेड हेल्ले आपर आटोमिक नंबर, जेड इफेक्टिव हेल्ले आपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव मीनस आपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो एक्स इक्वाल टू 0.359 जेड इफेक्टिव बाय आपर आर स्क्वायर जोटे गिभेन अच्छी आप कोवेलेंट रेडियस, सो प्लस प्लस आपर के 0.744 यहाँ है आपर कौन ना फर्मुला, एक्स है आपर कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो यहाँ फर्मुला, सो फर्मुला आपको गिवेन कौन अच्छी ना आर वैल्यू गिवेन अच्छी आपको केवल कैलकुलेट करा पड़ो जेड इफेक्टिव। सो जेड इफेक्टिव आपको केते जेड इफेक्टिव आपर हो जेड इफेक्टिव इक्वाल टू आपर
ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଜେଡ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି, ଇଫେକ୍ଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ଚାର୍ଜ। ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ଜେଡ୍ ମାଇନସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇନର୍ ସେଲ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଭାଲାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, ସୋ ଭାଲାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ସେତିକି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଲାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ସେତିକି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇନର୍ କୋର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କହିବା। ସୋ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବ୍ରୋମିନ୍ର ଆଟମ୍ ନମ୍ବର କେତେ, ବ୍ରୋମିନ୍ର ଆଟମ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 35। 35 ସୋ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କନଫିଗରେସନ୍ ଲେଖିପାରିବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କନଫିଗରେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 1s2, 2s2, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 2p6, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 3s2, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 3p6, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 4s2, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 3d10, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେତେ ହେବ ନା 4p5 ହେଇଗଲା, 35 ହେଲା। ସୋ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟର କେତେଟା ରହିଲା, ସୋ ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର NS2 NP ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ, 3D ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ରୁଲ୍ 3D ଆଗେ ଆସିବ ଦେନ୍ 4P। ସୋ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 4 2, ଇଏ ହେଉଛି 5। ସୋ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟର ଦେଖିବା ଆମର 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ସରି 7, 5 2 7ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପଳାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଭାଲାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ 7ଟା। ସୋ ଭାଲାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଇଫେକ୍ଟିଭ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲ୍ଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଲା, ସୋ ସିଲ୍ଡିଂ ବା ଇନର୍ କୋର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କେତେଟା ରହିଲା, ସୋ 7ଟା ଗଲା ପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 28ଟା ବାକି ରହିଲା। ସୋ 28ଟା ହେଉଛି ତା'ର କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ସିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଗମାର ଭ୍ୟାଲୁ, ସୋ 28 ହେଉଛି ତା'ର ସିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ। ସୋ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଚାର୍ଜ ବା ଆଟମି ନମ୍ବର କେତେ, ଜେଡ୍ କେତେ, ଜେଡ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 35। ଆପଣ ସିଗମା ପାଇଲେ କେତେଟା, 28। ସୋ ଆପଣ ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିଦେବେ ଜେଡ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜେଡ୍ ମାଇନସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସୋ 35ରୁ ଆପଣଙ୍କର 28 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କେତେ, 7ଟା ରହିବ, କେତେଟା ରହିବ 7ଟା। ସୋ 7 ହେଇଗଲା ତା'ର ଇଫେକ୍ଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଚାର୍ଜ। ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଭେନ୍ ଅଛି ଆର୍ର ଭ୍ୟାଲୁ 1.14, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଭେନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଣ ପାଇଗଲେ ଜେଡ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7। ସୋ ଏବେ ଆପଣ ସେ ଫର୍ମୁଲାରେ ପୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0.0.359 ଇଣ୍ଟୁ ଜେଡ୍, ଜେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଲା ନା 7, 7 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଆର୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ମାନେ 1.14ର ସ୍କୋୟାର୍, 1.14ର ସ୍କୋୟାର୍ ଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ 0.744। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା। ସୋ ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ 1.14 ସ୍କୋୟାର୍ କରିଦେବେ ଆଦରେ 7 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ସୋ ଆକୁ ଓଭରାଲି ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 2.747। ସୋ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଉଛି, ସୋ ଅପସନ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟକୁ ଆସିବା, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ 113 ନମ୍ବର ଦେଲା, ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲୋରିନ୍ ଆର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଦେଇଦେଇଛି ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍ର 4.0 3.0 ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି। ଦେନ୍ ର ଡାଇପୋଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ମନୋଫ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର CLF ର ଓଭରାଲ୍ ଡାଇପୋଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟ କେତେ ପଚାରିଛି। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରାଲ୍ ଡାଇପୋଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଦେଇଛି। ସୋ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୋ ଡାଇପୋଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ହେବ କେତେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ମାଇନସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଅଫ୍ କ୍ଲୋରିନ୍। ସୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଫ୍ଲୋରିନ୍ କେତେ ଥିଲା 4.0, ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ 3.0, ସୋ କେତେ ହେବ ନା 1.0, କେତେ ହେବ 1.0। ଅପସନ୍ କେତେରେ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଅଛି, ସୋ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି। ଦେନ୍ ଆସିବା ନେକ୍ସଟକୁ, ଦ କନଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏସିଡ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏସିଡ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ଆଲଡିହାଇଡ଼୍କୁ, ସୋ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା। ସୋ ଅପସନ୍ ଏ ଆପଣ ଦେଲା ରୋଜେନମୁଣ୍ଡ, ବି ଦେଲା କ୍ଲିମେନସନ୍, ତାପରେ ସି ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମିରୁନ୍ ପୋଣ୍ଡ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ରିଡକ୍ସନ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିରେ ଦେଲା ବିର୍ଚ୍ଚ ରିଡକ୍ସନ୍। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ ଚାରିଟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍। ସୋ ଆମେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତିକି ନେମ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ରହିଲା ସବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ସୋ ଓଭରାଲ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏସିଡ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଆମେ ଆଲଡିହାଇଡ଼୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା, ସୋ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ନା ଆପଣ ରୋଜେନମୁଣ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍, ରୋଜେନମୁଣ୍ଡ ରିଡକ୍ସନ୍, ରୋଜେନମୁଣ୍ଡ ରିଡକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏସିଡ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ହେଲା ଆର୍ ଆପଣଙ୍କର CO Cl, ଆର୍ COCl ବା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ CH3COCl, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏସିଡ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍। ସୋ ଏସିଡ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ରିଡକ୍ସନ୍ କରିବା, ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର H2 ଦେବା, କାହା ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଦେବା ନା ଆପଣଙ୍କର ପାଲାଡ଼ିୟମ୍ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ BaSO4 ମାନେ ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍। ସୋ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଳାଇ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସିଡ଼ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍କୁ ରୋଜେନମୁଣ୍ଡ ରିଡକ୍ସନ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କର କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଲଡିହାଇଡ଼୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାଟାଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେବ। ସୋ ସିମ୍ପଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପାଲାଡ଼ିୟମ୍ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍, ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖିଦିଅ। ସୋ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆଲଡିହାଇଡ଼୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ମନେ ରଖିବ ଆପଣଙ୍କର କାଟାଲିଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଲାଡ଼ିୟମ୍ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍
बीए सोफर ऑप्शन ए हो राइट आंसर। देन नेक्स्ट को आसवा नेक्स्ट आपको देखा 115 नंबर द कलर्स आर यूजुअली प्यूरीफाइड बाय कलर्स आपको ऑलरेडी डिस्कशन करें कलर्ड कहले कौन ना कलर्ड हूँ गोटे मिक्सचर कलर्टा हूँ गोटे कौन ना मिक्सचर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल मैंने स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैंने छोटो छोटो पार्टिकल को नहीं तार गोटे मिक्सचर होता है जोटा कि नेकेड आयर आमको विजिबल हेनी नेकेड आयर आमको मैंने बहुत ही छोट से सब मिश्रण को सिंपल आप गोटे मिक्सचर सल्यूशन से कौन कलर्ड सो कलर्डा को आपड़ा क्यों पद्धति क्यों प्रणाली आमको प्यूरीफिकेशन करा पड़ो ऑप्शन आपको ये सल्वोलिसिस बी देती पेप्टाइजेशन सी देती कोआगुलेशन डी देती आप डायलिसिस सो देखते जिते आपको कलर्ड देती आपको प्यूरीफाई करा सो आपर कलर्डा डायलिसिस प्रोसेस प्यूरीफाई हुए सो डायलिसिस हूँ कौन ना आपर से गोटे सेपरेसन हम आपर कमी ना गोटे मेम्ब्रेन देखिए आपको से कलर्टा को पास करा पड़ो देन आपर से टाइप से पार्टिकल गुड़ा गोटे जगह रहीजे से आपन कौन ना डायलिसिस प्रोसेस सो सो कलर्टा आपर क्यों प्रणाली आपर प्यूरीफाई है ना आप डायलिसिस प्रोसेस ऑप्शन आपर डी हो राइट आंसर। देन आप नेक्स्ट जावा 116 नंबर क्वेश्चन को 116 आपको देखा ह्विच एमंग दि फॉलोइंग रूल्स और प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन ए स्ट्रेस इज अप्लाइड टू ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम मैंने गोटे सिस्टम इक्विलिब्रियम अच्छे ताऊपर किसी स्ट्रेस दिहला मैंने किसी चाप दिहला दिहले कौन है द पोजिशन अफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स दि डिरेक्शन अफ फोर्स सो आम जुआडे आप अप्लाइड स्ट्रेस दबा इक्विलिब्रियम पोजिशन ये थी आम जब अप्लाइड स्ट्रेस इड़क दे सो ये इक्विलिब्रियम टा शिफ्ट कर इड़क चलो कहना जुआड़ थी स्ट्रेस मुह आप सी शिफ्ट हो चलो कही एटा होची को प्रिंसिपल एटा होची को प्रिंसिपल सो डी ब्रोगली कांसेप्ट आपण जानथिबे डी ब्रोगली कांसेप्ट होची लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम बी सेटा आपण डुअल कांसेप्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विषय कहिला सो एटा आपण नुआ ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपण इजीली डिटेक्ट कर पाइबे आउ प्रिंसिपल माने आपण एनर्जी ऑर्डर रे सजेबे एन प्लस एल वैल्यू अनुजाय एटा भी नुआ सो ऑप्शन ए आउ बी ए आउ सी आपण एटू ओमिट हेगलन। देन आपण रहला हुंस रूल आपण गोटे आपर सब ऑर्बिटल आपन कौन ना गोटे सिंगल फील्ड कर देन आप डबल अकुपाई करवा सो से आपर कहला हुंस रूल सो आम तीन टा ऑप्शन एलिमिनेशन करवा ऑप्शन ए एलिमिनेट होगा सी एलिमिनेट होगा डी एलिमिनेट होगा सो बाकी रहा आप चैटरल प्रिंसिपल सो सहीटा हो राइट आंसर जदि आम गोटे इक्विलिब्रियम पोजिशन में गोटे थोड़ा मैंने गोटे इक्विलिब्रियम सिस्टम में गोटे स्ट्रेस अप्लाय करवा सो इक्विलिब्रियम टा शिफ्ट हम कुआ ना टुवर्ड्स दि डिरेक्शन अफ आपर स्ट्रेस सो राइट आंसर टी हो ऑप्शन आपनर बी। देन नेक्स्ट को आसवा नेक्स्ट आपर दिला 117 नंबर 117 आपन दिला आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ अल्कलाइन KMnO4 प्रोड्यूसेस आपन कहला जे आइसोप्रोपाइल बेंजीन जहाँ को आम कौ कौन ना क्यूमिन क्यूमिन आम कौ आइसोप्रोपाइल बेंजीन जानते मैंने बेंजीन रिंग को दुटा लगे आपर सी CH3 CH3 लगे सो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को आम जो रिएक्शन करवा अल्कलाइन KMnO4 से कौन प्रड्यूस कर सो आप देखु सो जदि आम एटा हूँ क्यूमिन तो यहाँ आपर बेंजीन रिंग रहा यहाँ CH3 गोटे रहा आउ ये CH3 यहाँ हूँ क्यूमिन आपर आइसोप्रोपाइल बेंजीन सो आपको जदि आम अल्कलाइन KMnO4 रिएक्शन करवा सो सी कौन फॉर्मेशन करना सिंपल ये आप देखुं जो मिथाइल ग्रुप हटिज आपर OH आउ गोटा ए डबल बंड ओ आउ ओ एच गोटे लगे मैंने आपर ओवरअल हम कौन ना बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन हम ओवरअल कौन हम ना सी डबल बंड आउ ओ एच गोटे CH3 हटिक आप डबल बंड ओ हो आउटा आपर ओ एच हो सो यहाँ कौन ना यहाँ हूँ बेंजोइक एसिड सो सिंपल मन रखिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमिन को आम जब अल्कलाइन KMnO4 रिएक्शन करवा सो सी फॉर्मेशन आपर कर बेंजोइक एसिड कौन फॉर्मेशन कर बेंजोइक एसिड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा 118 नंबर क्वेश्चन देखा देखते कौन नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन वन ब्यूटीन थ्री वाई एन आपन को एक ब्यूटीन थ्री वाई एन केत नंबर ऑफ पाई और सिग्मा बॉन्ड अच्छी पचार सो स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल देखते स्ट्रक्चर कौन ना आपर सी डबल बॉन्ड सी आपर H2 CH आम टे एलाबोरेटली लिखा आप गणिया सुविधा हे CH2 तापर आपर डबल बंड रहा CH CH तापर आपर रहा सिंगल बंड सी तापर रहा आप ट्रिपल बंड CH सो आम जो देखा आपर गोटे डबल बंड आपर गोटे पाए बंड गोटे सिग्मा बंड सो ये डबल बंड संख्या कईटा दी आपर डबल बंड अच्छी गोटे सो डबल बंड जेहतु गोटे अच्छे सो आम नंबर पाए आपर पाए बंड कईटा हे ये आपर पाए बंड गोटे
तो आपन एठी ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रे आपन जानथिबे आमे जेतेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़थिले, सो आमर ट्रिपल बॉन्ड रे कोन दीटा पाई बॉन्ड गोटी होउछि सिग्मा बॉन्ड, सो पाई बॉन्ड एठी आपन दीटा, सो दीटा पाई एठी गोटी पाई, टोटल पाई हे गेला तीनटा पाई, तीनटा पाई ले पाई आपन बॉन्ड हे गेला। देन आपन पाई को छाड़ दिगा जेती रहला सिग्मा, सो एठी गोटे सिग्मा, एठी गोटे दुई, एठी गोटे तीन, एठी गोटे चार, एठी गोटे आपन पाँच, एठी गोटे छः, एठी गोटे सात। सो आम जब देखा तीनटा पाए गोटी आउ आप सतटा सिग्मा, सो सतटा सिग्मा तीनटा पाए को ऑप्शन अच्छे आपनर सतटा सिग्मा तीनटा पाए सतटा सिग्मा आपनर सो ऑप्शन नंबर देखो सी रे अच्छी केतटा आपनर तीनटा आपनर पाए सतटा हूँ सिग्मा जानी है। देन नेक्स्ट को आसा आपन जा शहे उन्नीस नंबर को कौन देला देखूँ शहे उन्नीस आपन देला ह्विच अमंग दि फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड माने आपनर नॉन बेंजोइड मीन्स आपनर कौन ना बेंजीन रिंग नॉन मीन्स आपनर बेंजीन रिंग को नहीं सी गठित हो बेंजीन रिंग आपनर हूँ कौन ना गोटे सिक्स मेम्बर रिंग सिक्स मेम्बर किंतु आपनर बेंजीन रिंग को जी ननेक हो सी किए सो आपनर राइट आंसर टी हो ट्रोपोलोन। सो ट्रोपोलोन हूँ आपनर गोटे कौन ना गोटा हूँ साइक्लिक कीटोनटा कौन गोटे साइक्लिक कीटोनटा साइक्लिक कीटोनटा जोटा कि हूँ गोटे सेभेन मेम्बर रिंग से गोटे कौन ना आपनर सेभेन मेम्बर रिंगटा जोटा कि आपनर साइक्लिक कीटोन सो सेटा आपनर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपनर करेक्ट आंसर टी हो। क्वेश्चन को शहे एक नंबर डेलेज फर द रिएक्शन एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स राइज टू आपको टू एन एच थ्री आपर एन टू सांगे थ्री एच टू मिसले आपको टू एन एच थ्री दौर सो पचार डेलेज फर मैंने डेलेज रैल्यू आपको काल्कुलेट करा डेलेज मीनस आप जानते हैं हूँ चेंज इन एंथाल्पी टोटाल एंथाल्पी टोटाल एनर्जी टोटाल एंथाल्पी टोटाल एंथाल्पीटा मीनस कौन आप टोटाल एनर्जी सो टोटाल एनर्जी टोटाल एंथाल्पी आपको काल्कुलेट करा यार सो एंथाल्पी फर्मुला कौन काल्कुलेट करा ना डेल एच इक्वाल टू आपर डेली प्लस आपनर डेल एन आर टी सो डेल एन आर टी मीनस कौन आप आर हो गैस कन्स्टेंट आप जानते टी हो टेम्परेचर सो देन आप रहा आप डेल एन देन आप रहा डेल एन सो डेल एन आपर कौन ना हो गैसियस प्रोडक्ट आपनर केतेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अच्छा केतटा मोल आपनर प्रोडक्ट सब अच्छा आम टोटल प्रोडक्ट को लिखा सो आम फर्स्ट ऑफ़ ऑल डेल एन आपको काल्कुलेट करा पड़ो डेल एन मीनस आप टोटल केतटा अच्छा सो आम जब देखिए गैसियस प्रोडक्ट आप टोटल केतटा अच्छा ना आपर गैसियस प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूल माइनस मोल ऑफ द रिएक्टेंट आपर फर्स्ट प्रोडक्ट रु आपर रिएक्टेंट को माइनस करा पड़ो डेल एन हूँ कौन ना आपर फॉर्मूला डेल एन हूँ आपर टोटल केतटा प्रोडक्ट अच्छा टोटल मॉलिक्यूल प्रोडक्ट सो आपर दुईटा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट अच्छा मैंने दुईटा मोल एन एच थ्री अच्छा प्रोडक्ट रे सो आपर माइनस तापर टोटल रिएक्टेंट माइनस करवा टोटल केते मोल रिएक्टेंट अच्छा रिएक्टेंट आम जब देखा एन टू एट गोटे मोल अच्छी एन एच थ्री आपर सरी थ्री मॉलिक्यूल थ्री मोल आपर एच टू अच्छी सो आम कहींपर टोटल प्रोडक्ट आप रिएक्टेंट के मैं तीन प्लस एक चार सो आप ओवरअल हो गला दुई माइनस चार सो दुई माइनस चार जी आप माइनस टू सो आप डेल एन बा टोटल आपर गैसियस प्रोडक्ट टोटल टोटल गैसियस आपर सब्सटेंस आपत अच्छा आपर माइनस टू मोल अच्छा माइनस टू रही सो आपर सो डेल एच इक्वाल टू डेल ई प्लस आपर डेल एन आर टी सो डेल एन जगह आप माइनस टू खाली पुट कर दिंतु सो डेल ई माइनस टू आर टी सो यहीटा देखो आप ऑप्शन अच्छे ऑप्शन आपर डेल ई इक्वल टू माइनस टू आर टी ऑप्शन आपर ए रे अच्छी सो ऑप्शन नंबर ए आपर राइट आंसर हो सिंपली फॉर्मूला आप खाली जानवर अच्छे सो डेल एच फॉर्मूला है आपर डेल ई प्लस आपनर डेल एन आर टी सो डेल एन टा हूँ कौन ना टोटल नंबर ऑफ गैसियस आपनर सब्सटेंस केते मोल सब्सटेंस आपर लगे सो ये आम जब देखा ताकूमी कैलकुलेट करा ना डेल एन ना आपर टोटाल जी प्रडक्ट थे टोटाल मोल ताक माइनस करदे टोटाल जी रिएक्टेंट थे जानी है। देन नेक्स्ट को आसवा नेक्स्ट आपन देला शहे बैश नंबर जे ह्विच वन अफ दि फलोइंग इज ए डाइसाकाराइड आ भितर किए गोटे डाइसाकाराइड सो डाइसाकाराइड मोनोसाकाराइड पॉलीसाकाराइड तीनटा जिनस मोनोसाकाराइड मीन्स कौन आपर सिंपल सुगार रोज एटा सब सुगार कैटेगोरी जाऊँच सो डाइसाकाराइड हूँ कौन ना आपर कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स मोनोसाकाराइड कॉम्बिनेशन आपर फॉर्मेशन होता है डाइसाकाराइड सो मोनोसाकाराइड आप ग्लूकोज गोटे मोनोसाकाराइड आपर सो फ्रुक्टोज हूँ आप गोटे मोनोसाकाराइड किंतु आप लैक्टोज और सेलुलोज सेलुलोज जानते आप कमन आपर गोटे पॉलीसाकाराइड गोटे एग्जांपल पॉलीसाकाराइड मैंने कौन आपर एक मानने आपर
एक रु अधिक माने 100 टू 1000 मॉलिक्यूल्स रा अपन मोनोसैकेराइड मिसिक हेतिबे पॉलीसैकेराइड सो अपन सेलुलोज आ स्टार्क अपन दीटा कॉमन एग्जांपल ऑफ अपन पॉलीसैकेराइड सो अपन लैक्टोज होची गोटे अपन डाइसैकेराइड कोन लैक्टोज होची गोटे अपन डाइसैकेराइड जोंतर की टू मॉलिक्यूल्स रा मोनोसैकेराइड मिसचंदी कोन कोन गोटे ला अपन ग्लूकोज मिसची आउटा होची गैलैक्टोज मिसची सोटा होची कोन अपन डाइसैकेराइड सो फ्रुक्टोज आ ग्लूकोज ता होची गोडा होजनी मोनोसैकेराइड देन आपने 123 नंबर को आसवा तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेंथ इन शेप बॉन्ड शेप मीन्स आपन कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड फॉर द डिफरेंट कंपाउंड गिवन इन ऑप्शन आपन देला जे जो ऑप्शन आपन चारटा ऑप्शन आपन देजी सो करेक्ट शेप वैल्यू अनुजाई सॉरी शेप बॉन्ड लेंथ कोठी आपन अधिका सबटू बॉन्ड लेंथ कोठी आपन अधिका हबो से ऑर्डर आपन को सजाऊ कहिजी करेक्ट ऑर्डर इन द लेंथ इन शेप बॉन्ड सो बॉन्ड लेंथ करेक्ट ऑर्डर कार कोटा हबो सो आम ऑलरेडी जतले माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट पढ़ी थे सो आम बॉन्ड लेंथ कौन हम केमी कौन माइनस आई इफेक्ट ग्रुप और प्लस आई इफेक्ट ग्रुप बॉन्ड लेंथ को आपड़ इनफ्लुएंस करे सो से रिलेटेड आप पढ़ी आम सो आम कौन पढ़ते ना आज आज द माइनस आई इफेक्ट ग्रुप माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जब इनक्रीज कला सी एसीडिटी को कौन कर इनक्रीज करूला मोर नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप रही मोर एसीडिटी किंतु आम कही जी मोर नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप मोर इज द एसीडिटी एंड लेस इज द बॉन्ड लेंथ माने बॉन्ड लेंथटा डिक्रीज कर सो जो आप ओवरऑल जानवे जो अधिक आपनर कार्बन आ फ्लोरीन फ्लोरीन हूँ आप माइनस आई इफेक्ट ग्रुप मैंने अधिका नंबर ऑफ फ्लोरीन जो थी ता बॉन्ड लेंथटा कौन डिक्रीज कर सो देखो सी एफ फोर में आपर चार्टा मलिकुल फ्लोरीन अच्छी सो सेटार बॉन्ड लेंथ आपर कौन ना सब डिक्रीज कर देन आपनटा जो देन दुईटा देन आपर गोटे सो रईट आनसर टी हम कौन आपर ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर जापारे सिंपल जितना नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अधिका हे आपर बॉन्ड लेंथ तार से कमी कमी जी देन 124 नंबर को आए फॉर फास्टर रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ रिएक्शन इन नो आवर माने फास्टर रिएक्शन मीन्स ऑर्डरटा आपर रिएक्शन ऑर्डरटा हूँ आपर के फास्ट मैंने एक मैंने आम जो देखा 99% गोटे रिएक्शनटा कम्प्लीट होते आवर में आपर 9 घंटे आ देन पचार देन टाइम टेकन फॉर 90% कम्प्लीट मैंने 90% कम्प्लीट हुआ देन के टाइम आप दरकार हे सो आपको सिंपली कैलकुलेट करा पड़ो कौन आपको पड़ो जे आपर फास्ट रिएक्शन रिएक्शन आपर इक्वेशन टा कौन फास्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन टा कौन आमको फास्ट जाना पड़ो से कौन ना आपर फास्ट रिएक्शन जब देखा सो तार रिएक्शन हूँ कौन ना टी हूँ आप 2.303 by K log A by A जीरो यहाँ हूँ आप कौन ना यहाँ हूँ रेट इक्वेशन सो आमको एवं कौन पुट कर टी दे गोटे 99.9 आउ गोटे 90% सो आमको सिंपली ये दुटार भैल्यू आगे काढ़ देन काढ़ला आम जानपर जे टी आप टी 90 आमको दरकार हो सो आमको फास्ट ऑफ ऑल काढ़ पड़ो जी टाइ 99.9% सो आम कैलकुलेट करिया फास्ट सपोज आम इनिशियली कंसंट्रेशन ए ने इनिशियली आम कंसंट्रेशन ना के ने कंसंट्रेशन फास्ट 99.9% इनिशियली कंसंट्रेशन तो फाइनाल कंसंट्रेशन आम के फाइनाल हो आप ए माइनस 99.9% ऑफ ए यहाँ आप फाइनाल कंसंट्रेशन सो ए माइनस 99.9% मीन आप ए माइनस 99.9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू डिवाइडेड बाय 100 इंटू एटा सो आपको आप सिंप्लीफाई करते हैं आप 0.001 यहाँ आप कौन हो ना ए जीरो के आप जो फाइनाल कनसेंट्रेसन यहाँ है ए जीरो जानपारे देन आम को कालकुलेट कर T99.9 सो आपको जब आम सल्व करवा सो आम कौन ना 2.303 बाय आप हूँ आप कन्सटाट लग लग बेस टेन ए मैं ए बाय ए जीरो ए आम इनिशियल नहीं ए डिवाइड करदे फाइनाल पाइले 0.001 001 इंटु ए तो ए आप कैनसल हो गला बाकी आप रहा आप 2.303 बाय के लग टेन तापर आप 1000 रहा के
1000 माने 0.5 टा अपन को ऊपर उठियोला सो रहला अपन रो 1000 एटा अपन रहला ओवरऑल सो एई टाइप रे अपन रो कैलकुलेट करबे T90% रो एई टाइप रो अपन इनिशियल कंसंट्रेशन लेबे तापर एई टाइप रो कैलकुलेट करबे T90 रो सो अपन कैलकुलेट कर सला पर अपन आंसर आसी 2.303 बाय अपन रो के लॉग अपन रो 10 आसी ओके दे लॉग 10 सेटा हिजबो 1000 आसला एटा अपन लॉग 10 सो एतिक आसीला पर अपन कोन करबे ना T99.9% डिवाइड कर देबे T90 डिवाइड कर देबे सो डिवाइड कला पर अपन से जो वैल्यूटा पाइथिले 2.303 लॉग के अपन रो 1000 डिवाइड कर देबे आकु 2.303 जोटा लॉग 90 रो पाइबे ताकु डिवाइड कर देके सिंपलीफाई कर देबे सो अपन रा आसी जो के 3 आसी केते आसीबो अपन रा 3 आसीबो सो ऑप्शन अपन डी इज योर राइट आंसर सिंपल फार्मूला म आपन डिटेल सॉल्यूशन अपन को टेलीग्राम में पठा देबी सो अपन देख लेबे सो लेंथी सॉल्यूशन दा आछ देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अपन 125 नंबर द रिएजेंट यूज टू आइडेंटिफाई यूरिया बाय ब्यूरेट टेस्ट सो ब्यूरेट टेस्ट हम जो करूँ यूरिया मैंने क्यों रिएजेंटा व्यवहार करूँ यूरिया को आइडेंटिफाई करने जो ब्यूरेट टेस्ट हम करूँ से आपर क्यों रिएजेंट यूज कराए सो ब्यूरेट टेस्ट आप कौन है ना दुटा मलिकुल यूरिया नि जाए कौन है ना आप दुटा मलिकुल यूरिया नि जाए यूरिया है NH2 CONH2 यहाँ यूरिया सो टू मलिकुल्स यूरिया को लेकिन कॉपर सल्फेट देकी आपण पाखापाखि 155 डिग्री सेल्सियस हिटिंग करदे कौन फर्मेसन है ना आपर H2N आ C OH आप C OH NH2 सो ये आप फर्मेसन हो जाए गोटे मलिकुल आप NH3 आप रिलीज हो जाए सो ये आप कौन यूज है आपर COSO4 मीन आप कॉपर सल्फेट यूज है सो कॉपर सल्फेट कैटलिस्ट आप यूज है सो कॉपर सल्फेट आपको राइट आंसर देखते ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर आप डी राइट आंसर कॉपर सल्फेट आप यूज है आप अल्कलाइन कॉपर सल्फेट यूज है आपर ब्यूरेट टेस्ट रे देन नेक्स्ट क्वेश्चन आम सो नेक्स्ट आप देखते कौन 126 नंबर आप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सोक्रोम ऑफ ए डाई आपन ऑक्सोक्रोम मीन्स आपनर कौन ना ऑक्सोक्रोम हो आपनर ऑक्सो मीन्स आपनर कौन इनक्रीज क्रोम मीन्स हो आपनर कलर माने ऑक्सोक्रोम रो ओवरऑल मीनिंग हो टू इनक्रीज कलर टा को इनक्रीज करबा पई आपनर कौन ना ऑक्सोक्रोम रो भूमिका कौन था ऑक्सोक्रोम रो भूमिका कौन था ना इट इन्फ्लुएंस कौन करे ना से आपनर कौन करे ना इट इन्फ्लुएंस द इंटेंसिटी ऑफ द कलर टू द डाई कौन करे ना इन्फ्लुएंस कर दे इंटेंसिटी ऑफ कलर टू द सॉरी ऑफ द डाई सो राइट आंसर दे दिबो ऑप्शन नंबर आपनर सी हे दिबो राइट आंसर टू इन्फ्लुएंस द आपनर कौन ना इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द डाई ऑप्शन आपनर सी हे दिबो करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा 127 नंबर 127 आपन देला नेचर ऑफ कार्बन आउ SN भीतर जो बॉन्डटा रहला इन अल्काइल टीन इज यूजुअली सो ये जोटे आप कार्बन आउ टीन भितर जो बॉन्डटा सो कहला जे बॉन्डटा कौन सेटा की बॉन्ड आयनिक बॉन्ड ना कोवलन ना हाइड्रोजन ना आपनर वैन डर वाल अट्रैक्शन सो देखो यहाँ हूँ आपनर कौन ना यहाँ गोटे कोवलेंट बॉन्ड एटा हूँ गोटे कौन ना यहाँ गोटे कोवलेंट बॉन्ड सो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर आपनर बी हाइड्रोजन बॉन्ड हम वैन डर वाल अट्रैक्शन नुह सो यहाँ हूँ गोटे कौन आयनिक तो होनी सो आपनर यहाँ हूँ कौन ना हूँ गोटे कोवलेंट बॉन्ड नेक्स्ट आसवा आम नेक्स्ट को आप 128 नंबर C20H42 आपनर कार्बन देला 20 आउ आपनर हाइड्रोजन होची 42 सो ये जे मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आपनर ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाटा एटा को आपनर कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सो आपन जे देखिबे एटा होची आपनर ना डेकेन हेला आपनर कोन ना टेन हबो आपनर कार्बन 10टा हेला आपनर डेक तापर आपन एनिलीन त नुह आपनर ट्रायास आपनर कोटेन एटा भी नुह सो आपनर हबो आपनर राइट आंसर हबो आपनर इकोसेन आर राइट आंसर हम कौन इकोसेन सो इकोसेन हूँ आपनर कौन ना C20H42 मन रखिए सो आपनर इकोसेन हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपनर एज जो C20H42 यहाँ हूँ इकोसेन देन नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर आपको देला गैलाटिन इज मोस्टली यूज इन मेकिंग आइसक्रीम इन ऑर्डर टू आपनर गैलाटिन टा कौन पे आपनर आपनर कोठी यूज करे ना आइसक्रीम तैयारी करिया यूज करा जाए कौन पे से यूज करा जाए सो गैलाटिन टा आपनर कौन पे यूज करा जाए
ना यूज टू मेकिंग आइसक्रीम इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द कलर्ड, माने से जो कलर्डल सॉल्यूशन अपन कलर्डटा बाहर दे सो कलर्डटा को स्टेबलाइज कर दिए आउ कौन ना प्रिभेन्ट करे क्रिस्टलाइजेसन। सो राइट आंसर हम आपर बी ऑप्शन नंबर बी स्टेबलाइज द कलर्ड एंड प्रिभेन्ट क्रिस्टलाइजेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आप दे 130 नंबर जोटा कि लास्ट क्वेश्चन फिनल ऑन रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एनएओएच प्रोड्यूसेस कंपाउंड ए, ए ऑन रिएक्शन विथ बी गिव्स एस्पिरिन, दस ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली आर। सो ए रिएक्शन टा ऑलरेडी डिस्कशन कर सारे प्रीवियस वीडियो रे। सो क्वेश्चन आप रिपीटेड अच्छे सो ये क्वेश्चन आगुरी आप बहुत थर पचारि सारी देखते। सो आप फिनल टा जब रिएक्शन कर सो ये टाइप रे रिएक्शन करते रेमन टेमन रिएक्शन आपर कौन ना आप रेमन टेमन रिएक्शन गोटे करते आउ गोटे आप करते कौ रिएक्शन गोटे आपर कोबलर सिंथेसिस। सो दुटा रिएक्शन आप टाइप फिनल ना फिनल को जब कार्बन डाइऑक्साइड सांगे आम रिएक्शन करदे एनएओएच नहीं एनएओएच प्रेजेन्स। सो ये जो फर्मेसन हम से कौन फर्मेसन हम ना सालिसिलिक एसीड कौन फर्मेसन हम सीओ टू जो निहाई सी आप कौन ना कार्ब आप सालिसिलिक एसीड मीन ओएच रहा ता जगह आउ गोटे कार्बन आप कार्बोक्सिलिक एसीड ग्रुप सीओएच ग्रुप लगे बेंजिन को। सो ये उभर आप सालिसिलिक एसीड गुटा फर्मेसन हम। सो सालिसिलिक एसीड को देन आम कौन करवा देन आम कौन करवा ना टे एसीड अनहाइड्राइड प्रेजेन्स एच टू ओ टू कनसेनट्रेसन आप कनसेनट्रेट एच टू एस टू एस फोर प्रेजेन्ट्रे नहीं आपर एसीड के अनहाइड्राइड सांगे टी रिएक्शन करदे से आप आस्पिरिन फर्मेसन करदे कौन फर्मेसन कर आस्पिरिन मीनस आप सी ओ सीओ सी एस थ्री तापर आप रीओएच यहाँ हूँ आस्पिरिन। सो आप आस्पिरिन फर्मेसन करदे सिंपल आप दुटा आप प्रोडक्ट फर्म हम गोटे हूँ कौन ना आपर सालिसिलिक एसीड फर्मेसन हम गोटे हूँ सालिसिलिक सालिसिलिक एसीड फर्मेसन हम आउ बी हूँ आप कौन ना से जो निहब ए ऑन रिएक्शन विथ बी से जो बी रे का रिएक्शन कर आप सालिसिलिक एसीडा आप एसीड के अनहाइड्राइड सा रिएक्शन कर। सो ऑप्शन आप डी हो करेक्ट आंसर जाणीला। सो फ्रेंड्स ओवरऑल ये थी आम आप 20 टॉप 20 आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वीडियो जब आप भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें भूलेंगे। सो थैंक यू।